माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन सर्वाइवल सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज से मैं अपने एसएल चैनल पर स्टार्ट कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट 1.19 की सर्वाइवल सीरीज। इस सीरीज में आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाने लगा, तो बिना किसी देरी के आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ TXP किंगडम, क्योंकि इसको मैं अपने किंगडम की तरह बनाने वाला। अच्छा, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक शेडर, जिसको देखने में आपको मजा आएगा, खेलने में मुझको भी। और अब ऑन करते हैं ऐसा शो को देने से ऑप्शन को, और अब वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। फाइनली गाइस मेरा वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका। अरे यार, यहाँ पे मुझको सामने देखने को मिल जाता है प्लेजर आउटपोस्ट, लेकिन मैं वहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ना ही आर्मर है ना ही कोई अच्छे टूल। सामने एक ट्रे दिख रहा है, तो सबसे पहले चलते उसके पास, वहाँ पे जाकर थोड़ी वुड को कलेक्ट करते हैं। अब मैं बना लेता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल, थोड़ी सी स्टिक्स। अरे इतनी सारी स्टिक्स बन गई। चलो यहाँ से थोड़ी वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक वुडन की पिकेक्स। तो गाइस सीन से माइन करके चलते हैं नीचे कर, वहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ मैं थोड़ा कोबलस्टोन। फाइनली गाइस मेरे पास इनफ कोबलस्टोन कलेक्ट हो चुके हैं। चलो अब यहाँ से ऊपर चलते हैं और बना लेते हैं अपने लिए स्टोन के टूल्स, जैसे कि स्वर्ड, एक्स, पिकेक्स और एक फर्नेस। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में थोड़ा खाना कलेक्ट करके। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मेरे पास इनफ वूल भी हो चुकी है बेड क्राफ्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक बेड को क्राफ्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं फर्नेस में थोड़ा खाने को भी कुक कर देता हूँ। इतना खाना यहाँ पे कुक कर रहा, तो गाइस चलता थोड़ी वुड कलेक्ट करने के लिए। फाइनली गाइस मेरा सारा खाना यहाँ पे कुक हो चुका, थोड़ा अपने थोड़ी पेट पूजा करते हैं। चलते गाइस अपने बेस को बनाने के लिए बहुत सी जगह को फाइंड करने। तो गाइस यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर माउंटेन देखने को मिल चुका है, जहाँ पे एक वाटरफॉल भी है। मैं सोच रहा अपना बेस यहीं पे बना लिया जाए, और यहाँ पे रात भी हो चुके, तो गाइस जल्दी से यहाँ पे अपने बेड को प्लेस करके सो जाते हैं, इससे पहले कोई मॉब आके मुझे मार दे। फाइनली गाइस यहाँ पे अगला दिन भी हो चुका है, तो यहाँ पे मैं अपना सामान प्लेस कर देता हूँ, जैसे क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस। अब मैं यहाँ पे क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने लिए एक चेस्ट। अरे यार इतनी सारी चेस्ट बन गई, चलो कोई बात नहीं, बाद में हमारे काम आएगी। तो गाइस आज की वीडियो का मेरा मेन गोल होने वाला अपने लिए पूरे आयरन के आर्मर को बनाना, उसके लिए मुझे चाहिए होंगे 24 आयरन। चलो गाइस इसलिए कैप को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा कोल मिल चुका, तो इनको सारे को कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे आयरन भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही आयरन है। यहाँ पे थोड़ा और कोल है, यहाँ पे मुझे थोड़े आयरन भी दिख चुके हैं। अरे यार नीचे से मॉब आ रहे हैं, ये गया पहला ज़ॉम्बी और ये गया दूसरा। अरे ये स्पाइडर भी आ गई, जो कि गिर के मर गई। चलो यहाँ से अब आयरन को कलेक्ट करता हूँ। गाइस यहाँ पे देखो कितने सारे मॉब्स हैं, मैं नहीं चाहता मैं इन मॉब्स के बीच में जाके मर जाऊँ। चलो गाइस यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो गाइस इसलिए वाटरफॉल के पास मुझे यहाँ पे एक केव मिल चुके है। अरे यहाँ पे तो कितना सारा कोल है, चलो सारे कोल को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस केव में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो चलते हैं अपने बेस के पास और वहाँ से मैं थोड़ी स्टिक्स लेके आता हूँ, ताकि मैं बना पाऊँ अपने लिए टॉर्चेस। तो गाइस मैंने अपने सारे आयरन को यहाँ पे स्मेल्टिंग पर लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी क्राफ्ट कर लेता हूँ टॉर्चेस। यहाँ पे तो पूरी 48 टॉर्चेस बन गई। फाइनली मेरा सारा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका है। चलो मैं यहाँ से एक वाटर बकेट बनाता हूँ। फाइनली गाइस मैं इसलिए मैं वापस आ चुका हूँ, यहाँ से सारे कोल को कलेक्ट करता हूँ। गाइस मुझे यहाँ पे थोड़ा आयरन भी मिल चुका है, चलो इन सारे आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा और आयरन है। फाइनली गाइस यहाँ पे रात भी हो चुकी है, जल्दी से चलते हैं यहाँ से अपने एरिया के पास, वहाँ पे जाके सो जाते हैं, इससे पहले कोई मोब आके मुझे मारते हैं। और ये आ चुका मैं बैठ के पास, और यहाँ पे आके मैं सो गया। यहाँ पे देखो एक स्केल्टन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इसका मैंने यहाँ पे मार दिया। यहाँ पे देखो और स्केल्टन, चलो इसको यहाँ पे मार के आते हैं। गाइस तो सामने वाली केव से मैं पूरी लूट करके आ चुका हूँ, मेरे पास हो चुके पूरे 15 रो आयरन। अब मुझे चाहिए पूरे 9 आयरन, ताकि मैं बना पाऊँ अपने फुल आयरन का आर्मर, मेरा गोल कंप्लीट हो जाए। तो गाइस चलते हैं यहाँ से एक और केव को फाइंड करने। गाइस मुझे यहाँ पे एक और केव मिल चुका है, यहाँ पे एमएलजी करके नीचे चलते हैं, और यहाँ पे सामने मुझे दिख चुके हैं आयरन, इनको कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। गाइस ये देखो कितनी गहरी केव है यहाँ पे, मैं नहीं चाहता मैं इसलिए सर्वाइवल सीरीज में एक भी बार मारे। तो गाइस चलते हैं यहाँ से कहीं और। तो गाइस इसलिए माउंटेन में मुझे थोड़े आयरन मिल चुके हैं, चलो इसको जाके कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस अब मुझे बस 2 आयरन की नीड है,
वो पता नहीं मुझे कहाँ पे मिलेंगे। चले फिर माउंटेन के ऊपर चलते हैं। गाइस यहाँ पे मुझे एक और कैंप मिल चुकी है। ये कैंप पे गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी है। चले यहाँ से नीचे चलते हैं वाटर बकेट की हेल्प से। गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे मॉब्स हैं और यहाँ पे रात भी हो चुकी है। सामने एक क्रीपर आ चुका है। जल्दी चलते हैं यहाँ से अपने बेड के पास। तो फाइनली गाइस मैं अपने बेड के पास पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे मैं सो जाता हूँ। अब गाइस मुझे बस दो आयरन चाहिए, तो चलते हैं सली केव में। क्या पता मुझे यहीं पे आयरन मिल जाए। अरे भाई यहाँ पे मुझे आयरन मिल भी जाता है। चलो सारे आयरन को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मेरे पास पूरे हो चुके हैं 28 आयरन। इससे गाइस मेरा पूरा आयरन का आर्मर आराम से बन जाएगा। चलो यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे सारे आयरन का मैं स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। इतना मेरा आयरन स्मेल तो रहता हूँ, मैं थोड़ा खाना कुक करके इसको खा लेता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है। चलो इनको कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे रात भी होने वाली है, तो जल्दी से बना लेता हूँ अपना आयरन का आर्मर। ये बनाया मैंने हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स और ये बने मेरे बूट। अब यहाँ पे हम सो जाते हैं। तो कहीं चलते थोड़ी वुड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं वुड रही और मुझे बनानी है अपने लिए एक शील्ड। तो गाइस बना लेते हैं यहाँ से अपने लिए एक शील्ड, जो कि मुझे क्रीपर के ब्लास्ट से बचा के रखेगी। इसी के साथ हमारे सर्वे सीरीज का फर्स्ट एपिसोड का गोल कंप्लीट हो चुका है, जो कि आयरन आर्मर का था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर तो कर देना सब्सक्राइब। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे सर्वाइवल सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ वापिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।